पेपर लीक पर योगी का मास्टर प्लान। पेपर लीक माफियाओं की खैर नहीं, गुस्से में बाबा ने लिया तगड़ा एक्शन। यूपी सरकार के फैसले से देश में हड़कंप। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। यूपी में योगी बाबा यानी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी बाबा ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे माफियाओं में हड़कंप मचा है। योगी के फैसले से देश भर में हलचल तेज हो गई है। बाबा ने कहा था कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और ऐसा ही किया। यूपी के सभी बाहुबली और माफिया योगी से थरथर कांपते हैं। उनके नाम का खौफ इतना है कि गैंगस्टर की चड्डी गीली हो जाती है। यूपी में कोई अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है। अब बाबा ने एक और सख्त फैसला लिया है। इस बार फैसले की चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 44 में से 43 प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है। 25 जून को हुई कैबिनेट बैठक में आईपीसी और सीआरपीसी से जुड़े 3 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत गैंगस्टर, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में अग्रिम जमानत ना दिए जाने के प्रस्ताव पर मोहर लगी। साथ ही पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए आरोपी को उम्र कैद और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रस्ताव भी पास हुआ। बैठक के बाद कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आईपीसी और सीआरपीसी से जुड़े 3 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। आईपीसी के कई सेक्शन में बदलाव किया गया है। गैंगस्टर, महिला और बच्चों से जुड़े क्राइम में अग्रिम जमानत ना दिए जाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई। 28 मार्च 2005 से पहले जिस नौकरी का विज्ञापन हुआ है उन्हें पुरानी पेंशन का विकल्प दिए जाने के प्रस्ताव पर भी यहां पर मोहर लगाई गई। एसजीपीजीआई के अधिकारियों कर्मचारियों को एम्स के बराबर पेंशनेट केयर भत्ता मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश के 3 विकास प्राधिकरणों की सीमा का विस्तार किया जाएगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण में 215 राजस्व ग्राम शामिल किए गए हैं। बरेली विकास प्राधिकरण में 35 राजस्व ग्राम शामिल किए गए। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में 71 राजस्व ग्राम शामिल किए गए। साथ ही छोटे स्टैंप की सेल्फी प्रिंटिंग की सुविधा से जुड़े प्रस्ताव पर भी बैठक में मोहर लगाए गए। पिछले साल स्कॉलरशिप से छूटे छात्रों को छात्रवृत्ति मुहैया कराई जाएगी और बीते 2 महीने में छूटे छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। पेपर लीक से जुड़े 2 प्रस्तावों पर लगी मोहर। मंत्री सुरेश खन्ना की माने तो पेपर लीक के आरोपियों को 2 साल से उम्र कैद तक की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने की अध्यादेश पर मोहर लगा दी गई है। इस अध्यादेश के पास होने से प्रदेश में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाई जाएगी। यही वो फैसला है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस वक्त पेपर लीक का मुद्दा देश भर में छाया हुआ है, जिसको लेकर मोदी सरकार की भी काफी फजीहत हो रही थी, लेकिन यूपी सरकार ने इसे रोकने के लिए तगड़ा एक्शन लिया है। अब पेपर लीक माफियाओं की खैर नहीं है। इधर नीट पेपर लीक को लेकर हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई के साथ साथ तमाम एजेंसियों ने जांच तेज करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी भी तेज कर दी है। नीट पेपर लीक मामले में एक और खुलासा, साइबर गैंग से साथ मिलकर किया था कांड। नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक परीक्षा माफियाओं और साइबर अपराधियों ने साथ मिलकर नीट पेपर लीक कांड को अंजाम दिया था। दरअसल नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने इस मामले में साइबर क्राइम का एक नया मामला दर्ज किया। इस केस में झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किए गए राजीव कुमार, परमजीत सिंह और पंकु कुमार के अलावा शेखपुरा के रंजन कुमार के खिलाफ ईओयू में केस दर्ज किया गया है। एफआईआर की कॉपी है जिसमें इस बात का जिक्र है कि नीट पेपर लीक मामले में कैसे ये साइबर गैंग एक्टिव था और नीट पेपर लीक कांड में मदद दे रहा था। आर्थिक अपराध इकाई की माने तो ये साइबर गैंग है। नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के शागिर्दों को फर्जी तरीके से मोबाइल और सिम कार्ड दिए गए थे। इन्हीं के दिए गए मोबाइल और सिम कार्ड पर क्वेश्चन और आंसर शीट आई थी। गैंग के सरगना रंजन की गिरफ्तारी के लिए ईओयू लगातार एक्शन में है और शेखपुरा पुलिस की भी मदद ली जा रही है। आपको बता दें कि सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले की जांच भी शुरू कर दी है। 24 जून की सुबह दिल्ली से पटना आई सीबीआई की टीम सबसे पहले पटना के सीबीआई ऑफिस पहुंची, जहां उनकी मुलाकात बिहार के आईजी से हुई। इस मीटिंग के बाद दिल्ली से आए सीबीआई के अधिकारी अपने पटना के सीबीआई के ऑफिसर्स के साथ ईओयू कार्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान
और DIG मानवजीत सिंह ढिल्लों से पहले अलग अलग फिर सभी एक साथ बैठे और इस केस को लेकर विस्तार से चर्चा की, पूरी जानकारी जुटाई गई। इस दौरान इस केस में पहले छापेमारी और शुरुआती तफ्तीश करते हुए FIR दर्ज करने वाले शास्त्री नगर थाना के प्रभारी को भी बुलाया गया। EOU ने मीटिंग के बाद FIR की कॉपी के साथ अनुसंधान से जुड़े कुल 167 पेज की दस्तावेज की फोटो कॉपी सौंपी है। अब इन्हीं दस्तावेज और अब तक की हुई इस पटना पुलिस और EOU के अनुसंधान की थ्योरी के आकलन के बाद CBI अपने स्तर से आगे साक्ष्य का संकलन करेगी और इस केस का अनुसंधान अपने स्तर पर आगे लेकर जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक थाना प्रभारी से CBI टीम ने केस में की गई सभी शुरुआती कार्रवाई की जानकारी बारीकी से ली है। CBI की टीम ने EOU से उन दस्तावेजों और साक्ष्यों के खास तौर से देखा और जानकारी ली, जिसके आधार पर प्रश्न पत्र लीक होने की बात पुख्ता होती है। नीट पेपर लीक मामले में 25 जून को ADG 5 की कोर्ट में भी सुनवाई हुई। जानकारी के मुताबिक यहां पर ADG 5 की कोर्ट ने सभी 13 आरोपियों की जमानत याचिका के साथ संजीव मुखिया की तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने PP को कहा कि ये केस अब CBI के पास है और इसकी जानकारी ऑर्डर पेपर के साथ कोर्ट को दे। वहीं कोर्ट ने ये भी कहा कि अब इस मामले की सुनवाई CBI की विशेष अदालत में ही होगी। जमानत के मामले समेत सारी सुनवाई अब CBI की विशेष अदालत में होगी और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगले कुछ घंटों में पेपर कोर्ट में सबमिट कर दिए जाएंगे। CBI के एक्शन से साफ है कि जल्द ही इस मामले में और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई सफेद कॉलर भी पेपर लीक मामले में फंस सकते हैं। नीट पेपर लीक मामले में चौंकाने वाला खुलासा, मुखिया की थी सियासी महत्वाकांक्षाएं, पत्नी के जरिए नेताओं से ऐसे बनाए थे रिश्ते। मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली परीक्षा NEET UG में पेपर लीक होने के विवाद में नई नई बातें सामने आ रही हैं। इस मामले की जांच पहले बिहार की आर्थिक अपराध शाखा कर रही थी, बाद में जब EOU ने मामला CBI को सौंपा तो एक व्यक्ति का नाम सामने आया। वो नाम है संजीव कुमार मुखिया का। इसके बारे में जांचकर्ताओं का मानना है कि वो पूरे ऑपरेशन का मुख्य सूत्रधार था। इसे अब सॉल्वर गैंग कहा जा रहा है। सॉल्वर गैंग एक अंतरराज्यीय नेटवर्क है जो कथित तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के हल किए गए प्रश्न पत्रों को इच्छुक लोगों को पैसे लेकर बेचता है। 51 साल के मुखिया के बारे में माना जाता है कि वो 5 बड़े पेपर लीक मामलों में शामिल रहा, जिसमें बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा भी शामिल है, जिसके लिए उसके बेटे डॉक्टर शिव उर्फ बिट्टू को इस साल की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। पहले वो रणजी टाउन के सहयोगी के रूप में काम करता था। नालंदा का रहने वाला मुखिया फिलहाल फरार है। हालांकि उसने स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई अभी होनी है। मुखिया को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी पत्नी 2016 से 2021 के बीच नालंदा की भूताहार खार पंचायत की पूर्व ग्राम प्रधान थी। वो कथित तौर पर 2 दशकों से पेपर लीक रैकेट में शामिल है। सबसे पहले वो रंजीत डॉन के सहयोगी के रूप में शामिल था। डॉन के बारे में माना जाता है कि वो 90 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में कई परीक्षा रैकेट में शामिल था। इसके बाद वो खुद भी इसमें शामिल हो गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मुखिया 10 साल से ज्यादा वक्त से नालंदा के नूरसराय में उद्यान विद्यालय में तकनीकी सहायक है। बिहार के अंदर और बाहर कम से कम 4 पेपर लीक रैकेट में उसका नाम शामिल है। उसे 2 बार गिरफ्तार भी किया गया था। एक बार 1 दशक पहले बिहार में एक ब्लॉक स्तरीय परीक्षा के लिए और दूसरी बार 2016 में उत्तराखंड की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में संदिग्ध पेपर लीक के लिए वो पकड़ा गया था। मुखिया का बेटा शिव भी एक डॉक्टर है और उसको इस साल बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि मुखिया पर भी मामले में शामिल होने का आरोप लगा था, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। जांचकर्ताओं के मुताबिक मुखिया के करीबी सहयोगी बलदेव कुमार को 5 मई की सुबह हल किए गए प्रश्न पत्र यानी कि जो सॉल्व क्वेश्चन शीट थी उसकी PDF मिली थी और ये हल की गई उत्तर कुंजी, जिसे कथित तौर पर उम्मीदवारों को याद करने के लिए दिया गया था। बलदेव झारखंड के देवघर से इस मामले में गिरफ्तार किया गया। 5 कथित सॉल्वर गैंग सदस्यों में से एक है। अपने खिलाफ कई मामलों के बावजूद मुखिया ने परोक्ष रूप से राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी पाल रखी थी। 2020 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मुखिया की पत्नी ममता देवी, जो उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की सदस्य थी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और नालंदा के हरनौत से लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन JDU के हरि नारायण सिंह से हार गई और सोमवार को विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD ने JDU और NDA के दूसरे घटक दलों के नेताओं के साथ ममता देवी की तस्वीरें भी रिलीज की। हालांकि ना तो JDU और ना ही चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इस पर कोई टिप्पणी की है। अपनी तरफ से JDU के एक नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर यह माना है कि ये लिंक शर्मनाक है।
हालांकि इस नेता ने यह भी कहा कि राजनीति और सार्वजनिक जीवन में कई राजनीतिक बाधाएं हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक नेता ने यह भी ऐसा बयान दिया। हालांकि आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने तर्क दिया है कि पार्टी ने मामले की गंभीरता को सामने लाने के लिए तस्वीरें जारी की हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि ये घोटाला जिसमें इतने सारे राज्य शामिल हैं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए पर सवाल उठाता है और इसकी गहन जांच की जानी चाहिए। लगातार लिंकअप हो रहे हैं, एक के बाद एक राज्य में जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, जिन आरोपियों की धरपकड़ हो रही है उससे साफ है कि ये एक पूरा सिंडिकेट है जो बड़े स्तर पर इस काम को अंजाम दे रहा है। अब देखना यह है कि सीबीआई इस पूरे मामले में किस तरह से एक्शन लेती है और किस तरह के बड़े खुलासे करती है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। तो फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।